एस्पिरेंट्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल वेट तनु। सो आप सबको अगर नहीं पता है तो सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, तो आप अपना सीटेट का रिजल्ट चेक कर लीजिए जो 2023 वाला है। अगस्त में आपका जो एग्जाम हुआ था उसी का रिजल्ट आ चुका है। कुछ दिन पहले आपके आंसर की आई थी, अब आपका रिजल्ट आ चुका है। आप जाइए अपना सीटेट की वेबसाइट पे, आप जाके अपना रोल नंबर फिल करेंगे वहां पे, तो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा रिजल्ट। तो जिनका भी सीटेट का रिजल्ट आना था, जिन्होंने अभी तक नहीं चेक किया है, वो अपना रिजल्ट जरूर चेक कर लीजिए। बहुत लोग को डाउट रहता है कि कितने मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, कितने मार्क्स पास होते हैं, कितना नहीं होता है। तो ये जो सीटेट का एग्जाम होता है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर टेस्ट जो है आपका, वो आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो यहाँ पे जनरल वालों को जो चाहिए होता है, वो चाहिए होता है 90 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए, और ओबीसी और एससी एसटी वालों को यहाँ पे चाहिए रहता है आपका 82 मार्क्स। तो अगर आपके मार्क्स वहां पे 90 मेंशन है जनरल वालों के, और यहाँ पे एससी एसटी और ओबीसी वालों का अगर आपके मार्क्स वहां पे मेंशन है 82, तो आप क्वालिफाई है इस एग्जाम के लिए। तो जाइए अपना रिजल्ट वहां पे चेक कर लीजिए, और यहाँ पे जो आपकी पूरी की पूरी मार्कशीट होती है एक तरीके से अगर बोले तो, वो आपकी आ जाएगी डिजी लॉकर ऐप पे, क्योंकि सारी की सारी मार्कशीट आपकी अपलोड डिजी लॉकर, तो डिजी लॉकर पे आपकी जो मार्कशीट है वो अपलोड हो जाएगी 10 to 15 डेज के बाद। तो अभी आप अपना जाके रिजल्ट जो कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जरूर चेक करिएगा। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी अगर आपको नहीं चेक करना आता है कि आप किस तरीके से रिजल्ट चेक करो, या ऑलरेडी मैंने पिछले बार का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा कि कैसे हम आप चेक कर सकते हो। बस आपको रोल नंबर फिल करना होगा और आपकी मार्कशीट ओपन हो जाएगी। उसमें अगर आपने दोनों पेपर दिए होंगे तो दोनों पेपर आया होगा, और वहां पे नीचे लिख के आया होगा 90 मार्क्स क्वालिफाइड। ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड होगे तो वहां लिख के आएगा पास, नहीं होगे तो दैट इज इट, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपको देखना है वहां पे क्वालिफाइंग का आता है ऑप्शन, तो जो भी रहेगा आप जरूर कमेंट करिएगा अगर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो गया है या नहीं भी हुआ है, फिर भी आप कमेंट पे बता सकते हो। तो जिनका भी ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो सीटेट दिसंबर 2023 के लिए अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बार आपकी आपको यहाँ मिला था अगस्त में चांस, अभी आपको मिलेगा दिसंबर में चांस। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जिनका भी कुछ मार्क्स से रुक गया है, 3-4 मार्क्स से बहुत लोग का रुका है, कुछ लोग का 1 मार्क्स से रुक जाता है, सो इट्स नॉट गुड, तो उनको भी नहीं अच्छा लगता है। बट यहाँ पे आपको फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा इसके लिए, तो अभी से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड मैं भी आपको अपनी तरफ से गाइड करती रहूंगी। आपको भी कुछ अगर नहीं समझ में आता है कि सीटेट को कैसे हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको जरूर से जरूर हर चीज बताऊंगी, बताने की कोशिश भी करूंगी। तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, आप डिजी लॉकर से कैसे आप लोग वहां से अपलोड कर सकते हो, क्योंकि वही मेन आपकी मार्कशीट मानी जाती है। जो अभी आपका आएगा वो रियल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां स्टैम्पिंग होके अपलोड होता है। तो यहाँ पे डिजी लॉकर ऐप आप डाउनलोड करके रख लीजिए, उसमें सारी की सारी अपनी डिटेल्स फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आप वहां जाके सेंट्रल एलिजिबिलिटी टीचर टेस्ट अब सर्च करोगे, ठीक है, सीटेट सर्च करोगे तो अपने आप आपकी मार्कशीट वहां दिखाने लगेगी, बट अभी नहीं आएगी, वो लगभग 10 से 15 दिन बाद आपकी अपलोड होगी, अभी नहीं होगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी ये एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। थैंक यू, बाय बाय।